थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल पानी से एक लगा देंगे, पहले एक साइड में पानी लगाऊंगे, एक रफ जैसे पत्थर आता है नॉर्मल पत्थर, वही पत्थर में क्या होता है इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा फिर घिसेंगे, घिसने के बाद फिर उसका पीछे में पानी लगाऊंगे, उसका फिर भी उसको दोबारा घिसेंगे, घिसने के बाद में क्या होता है ये जो सूती का रंध्र है ये जितना गैप है सो फिला हो जाता है, तो इसको बोलते पट्टा। जब ये पेंटिंग ये पूरा चित्र ये पूरा बन जाता है तो इसको बोलते पट्टा चित्र पेंटिंग्स। तो हुई चीज के लिए भारत सरकार ये 2002 में ये पहले क्राफ्ट विलेज में डिक्लेयर किया है, और 2004 में ये भारत सरकार वही पटचित्र पेंटिंग के लिए हेरिटेज विलेज में डिक्लेयर किया है। और ये जो पटचित्र है जो हमारा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो जगन्नाथ जो पूरी जो फेमस है, तो ये जगन्नाथ जी के साथ में ये हमारा जो पटचित्र है उनके संस्कृति के साथ में हमारा जोड़ा है, उसके साथ में रिलेटेड हमारा पटचित्र है। ये जब से ये जगन्नाथ मंदिर है तब से ये हमारा पेंटिंग पुराना है। तो उस टाइम में क्या होता है तो एक साल में तो ये कितना दिन होता है 365 दिन, जब ये 365 दिन होता है 350 दिन हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करते हैं, और जो बाकी जो 15 दिन है मतलब कि ये रथ यात्रा का पहले जब जगन्नाथ महाप्रभु इनको क्या होता है जैसे हम लोग को बुखार जैसे बीमार होता है ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु उनको भी बुखार इनको बीमार होता है, जब बीमार होता है तो यहाँ से एक पटचित्र हमारा मतलब कि जो बलभद्र जी के पास में अनंत वासुदेव देव, जगन्नाथ जी के पास में विष्णुदेव, माता सुभद्रा जी के पास में माता भुवनेश्वरी देव, ऐसे पटचित्र में हमारा 3 अंकन होगा वो चित्र हम लोग स्केच करेंगे, उसके बाद हमारे मंदिर में जो पूजा पाएंगे जो जहाँ पर बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जो पूजा पाले इसी रत्न शिखर में हमारा पटचित्र में पूजा जो जात्री पत्र जाएंगे तो वही पटचित्र का हमारा दर्शन करके जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम जो कलर जो बनाता है ये अलग ये नेचुरल कलर है, इसमें 6 कलर आता है, ये हमारा ये मेन बेसिक कलर है जो आजकल में जो बाजार में जो कलर जो मिलते हैं जो आर्टिफिशियल कलर जी। लेकिन ये कलर हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन इसमें ये ऑल आर ये नेचुरल कलर है, तो ये समुद्र का ये शंख है। अच्छा। शंख मालूम है ना जी, जी, शंख को ग्राइंडिंग करके इसमें से हम लोग व्हाइट रंग हम लोग बनाते हैं समुद्र का शंख से। और ये देखिए सल्फर ऑक्साइड इसमें निकलता है, येलो निकलता है सल्फर ऑक्साइड में। और ये देखिए रीठा, रीठा तो मालूम है ना काजल, वो रीठा से निकलता है, हम जो आंखों में जो लगाते हैं ये काजल ये वही वाला है रीठा का काजल। ये सल्फर ऑक्साइड कहाँ से आता है? ये मार्केट में हमारा मिल जाता है मैडम। तो ये देखिए खंड नील का एक टाइप में पत्थर आता है, ये नील रंग का एक टाइप में पत्थर, ये सिंदूर वाला भी एक पत्थर आता है, और उसका जो गेरू वाला है वो मिट्टी से निकलता है। गेरू तो मालूम ही है, तो हर जगह पे ये गेरू मिट्टी मिल जाएंगे। तो ये जो 6 कलर है ये तो हमारा ये मेन बेसिक कलर है, इसी को 6 कलर को हम लोग मिला के ये मैक्सिमम पूरा 70-80 कलर हम लोग बनाते हैं, और उसका हम लोग जो कलर जो प्रोसेसिंग करते हैं एक कवर्ट एक पेड़ है कवर्ट आपको मालूम है ना जैसे बेल है वो बेल का टाइप में एक फल है, उसका फल थोड़ा खटा खटा लगता है, उसका पेड़ को क्या होता है इसको छेद देते हैं, छेद देने के बाद में इसका जो गम जो निकलता है तो कवर उसका पेड़ में, तो वही गम क्या होता है ये कलर से हम लोग ये पूरा मिक्स कर देते हैं पानी से, वो मिक्स करने के बाद में क्या होता है ये कलर थोड़ा प्रोसेसिंग हो जाता है, जैसे कि ये आपका माँ आपका ग्रैंड मदर पूरा ऐसे पूरा जनरेशन पूरा चला देंगे, लेकिन ये उसका पेंटिंग का मत कुछ खराब नहीं होगा, उसका पेंटिंग ऐसे ही रहेंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ आर्ट जो हम जो बनाते हैं उसका कैसे करते हैं। अभी देखिए ये तो कैनवास के ऊपर में हम जो पट्टा का आपको जो बताया उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है उसका आप अभी मैं डायग्राम कर रहे हैं पेंसिल में। अभी देखिए ये स्केच बन गया, उसके ऊपर में अभी ब्रश से लाइनिंग करेंगे। आप कितना टाइम से बना रहे हो ये? मैडम ये तो हमारा जब से ये जगन्नाथ मंदिर है जी तब से ये हमारा पुराना है, मतलब कि ये परंपरा है ये जनरेशन है, जैसे कि ये पिताजी करते हैं, पिताजी का उनका पिताजी ग्रैंडफादर भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरा बेटा और बेटी भी करते हैं। अच्छा। मतलब ये पूरा फैमिली ट्रेडिशनल है हमारा, ये परंपरा से ये काम चलता है हम लोग का। और आपने सीखना कब से शुरू किया या? हम लोग तो बचपन से देखिए
ये जो होता है जो हमारा आर्ट जो होता है जी, तो ये लड़के लोग जैसे उड़ीसी जैसे डांस करते हैं, तो उसका नाम होता है, पहले से हम लोग का था उड़ीसी पटचित्र। तो ये उड़ीसा है उसका नाम, उधर भी लोग जो लड़के लोग उड़ीसी भी डांस भी करते हैं, इसीलिए ये आर्ट का नाम होता है कि उड़ीसी पटचित्र। अभी ये पटचित्र में अभी ये डिमांड हो गया, लोग तो पता है कि सब लोग तो पता है उड़ीसी मतलब क्या है जी, तो पटचित्र मतलब क्या है उनको पता नहीं, लेकिन टूरिस्ट लोग को, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है पटचित्र। जो आएंगे उड़ीसा में तो उड़ीसी डांस देखेंगे, गोटी पो देखेंगे, उसके साथ भी पटचित्र भी हमारा देखेंगे। ये देखिए अभी बन गया।